मैं जो जल पीता हूँ उसके द्वारा मानव शत्रु को पकड़कर उसका रस पीता हूँ। जिस प्रकार सागर नदी मुख से पूरा जल ग्रहण करके पी जाता है, उसी प्रकार मैं शत्रु का रस पीता हूँ। मैं पहले इस शत्रु के प्राणों को रस बनाकर पीता हूँ और बाद में इस पूरे शत्रु का विनाश कर देता हूँ। मैं जो कुछ निगलता हूँ उसके द्वारा अपने मानव शत्रु को ही निगल जाता हूँ। जिस प्रकार सागर नदी के जल को निगल जाता है, उसी प्रकार मैं शत्रु के अंगों को निगलता हूँ। मैं पहले इस शत्रु के अंगों को निगलता हूँ और बाद में इसे समाप्त कर देता हूँ। सुक्त 136वां देवता वनस्पति। हे प्रकाश करती हुई कालमाची नाम की जड़ी बूटी, तू दिव्य पृथ्वी में उत्पन्न हुई है। हे नीचे की ओर जाने वाली जड़ी बूटी, मैं तुझे अपने केशों को दृढ़ करने के लिए खोदता हूँ। हे जड़ी बूटी, तू मेरे केशों को दृढ़ बना तथा मेरे जो केश उत्पन्न नहीं हुए उन्हें उत्पन्न कर। मेरे जो केश उत्पन्न हो गए हैं उन्हें तू अधिक विशाल बना दे। हे केशों को दृढ़ करने के इच्छुक पुरुष, तेरा जो केश धरती पर गिरता है तथा जो जड़ रहित काटा जाता है, मैं तेरे उन सभी केशों को केश संबंधी रोगों का विनाश करने वाली औषधि से गीला करता हूँ। सुक्त 137वां देवता वनस्पति। जमद अग्नि ऋषि ने अपनी पुत्री के केशों को बढ़ाने वाली जिस औषधि को खोदा था, उसे वीतहव्य महर्षि ने अपने केश बढ़ाने के लिए असित केश नामक मुनि के घर से जिसे चुराया था। हे केशों को बढ़ाने के इच्छुक पुरुष, पहले तेरे केश अंगुलों में 2 अंगुल 4 अंगुल आदि रूप में नापने योग्य थे। इसके पश्चात वे दोनों हाथ फैलाकर नापने योग्य हो गए। हे पुरुष, तेरे शीश के चारों ओर केश नड नामक घास के समान बड़े। हे औषधि, मेरे बालों की जड़ों को दृढ़ बनाकर तथा उनके ऊपरी भाग को लंबा बना। इसके अतिरिक्त तू मेरे केशों के मध्य भाग को दृढ़ बना। हे पुरुष, तेरे शीश के चारों ओर केश नई घास के समान बड़े। सुक्त 138वां देवता वनस्पति। हे शक्तिहीन करने वाली जड़ी बूटी, तू सभी लताओं में श्रेष्ठ एवं सभी और प्रसिद्ध है। आज मेरे इस शत्रु पुरुष को नपुंसक तथा स्त्री के समान बना दे। तू इसे स्त्री के समान बड़े बड़े केशों वाला बना दे। इसके पश्चात इंद्र इसके दोनों अंडकोशों को पत्थर से फोड़ डाले। हे नपुंसक, मैंने तुझे इस अनुष्ठान के द्वारा नपुंसक बना दिया है। हे षंड अर्थात जन्मजात नपुंसक, मैंने तुझे षड बना दिया है। हे वीर्यहीन, मैंने तुझे वीर रहित बना दिया है। मैं नपुंसक बने हुए इस पुरुष के शीश पर नारियों के श्रृंगार बने हुए केश समूहों को उत्पन्न करता हूँ। तेरी ये नाड़ियां विधाता द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें वीर आश्रय लेता है। मैं अंडकोशों पर स्थित तेरी उन वीर वाहिनी नाड़ियों को पत्थर पर रखकर डंडे से तोड़ता हूँ। स्त्रियां चटाई बनाने के लिए जिस प्रकार नड्ड नामक घास को पत्थर से कूटती है, हे शत्रु, मैं तेरे अंडकोशों को उसी प्रकार पत्थर के ऊपर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ता हूँ। सुक्त 139वां देवता वनस्पति। हे शंख पुष्पी, तू दुर्भाग्य के लक्षण को पूरी तरह निगलती हुई उत्पन्न होती है। तू मेरे सौभाग्य का निर्माण करती है। हे जड़ी बूटी, तेरी 100 शाखाएं तथा 33 जड़े हैं। हे नारी, इस 1000 पत्तों वाली शंख पुष्पी के द्वारा मैं तेरे हृदय को कामाग्नि से संतप्त करता हूँ। हे कामिनी,
मेरे विषय में तेरा हृदय संतप्त हो, तेरा मुख भी सूख जाए। इसके अतिरिक्त तू मेरे प्रति अभिलाषा करती हुई अत्यधिक संतप्त हो। तू सूखे मुख वाली बनकर मेरे समीप आ। हे पीले पत्तों वाली एवं कल्याण करने वाली जड़ी बूटी, तू वशीकरण करने वाली है। तू फलों से युक्त होकर उस नारी को मेरे समीप आने की प्रेरणा दे। इसके पश्चात मुझ कामुक और कामिनी को मिला दे। हे कामिनी, जिस प्रकार जल ना पीने वालों का मुख सूख जाता है, उसी प्रकार तू मेरे प्रति काम भावना से संतप्त हो। तू सूखे मुख वाली बनकर मेरे समीप आ। हे अतिशय वीर्यवर्धक जड़ी बूटी, नियोला जिस प्रकार सांप के टुकड़े करके पुनः उन्हें जोड़ता है, उसी प्रकार स्त्री के विमुख होने के कारण जो मुझ में कामा विकार आ गया है, उसे दूर करके मुझे मेरी पत्नी से पुनः मिला दे। सूक्त 140वां। देवता बृहस्पति। हे बृहस्पति और हे जातवेद अग्नि, बाघ के समान जो दो दांत ऊपर की पंक्ति में अतिरिक्त रूप से नीचे की ओर मुख करके स्थित हैं, वे माता पिता को खाना चाहते हैं। वे दांत माता पिता का कल्याण करने वाले हों। हे पहले निकले हुए ऊपर वाले दो दांतों, तुम गेहूं, जौ, उड़द और तिल खाओ। तुम्हारे रमणीय फल के लिए ही गेहूं, जौ आदि का भाग रखा गया है। तुम माता और पिता की हिंसा मत करो। दोनों ऊपर वाले दांत देव के द्वारा अनुमति प्राप्त मित्र बने हुए सुख कारक एवं शोभन हो। हे दोनों दांतों, नर्मदा का संकेत करने वाला चिन्ह बनाओ। वह चिन्ह पुत्र पौत्र आदि के रूप में समृद्धि करने वाला हो। सूक्त 141वां। देवता अश्वनी कुमार। वायुदेव हमारी इन गायों को एकत्र करें, त्वष्टा देव इन्हें पोषण के लिए धारण करें, इंद्र इनके प्रति प्रेम भरी बातें कहें, तथा रुद्रदेव इनकी संख्या वृद्धि के लिए इनकी चिकित्सा करें। हे गोपाल, तांबे के बने हुए लाल रंग के शस्त्र से गाय के बछड़ों और बछियों के कानों में नर और मादा होने का चिन्ह बनाओ। अश्वनी कुमार भी इनके कानों में इसी प्रकार का चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह पूजा के रूप में संख्या में अधिकता प्राप्त करे। देवों और असुरों ने पशुओं के कानों में शस्त्र से जिस प्रकार का नर मादा होने का चिन्ह बनाया, मनुष्यों ने भी इसी प्रकार चिन्ह बनाया। अश्वनी कुमार, गायों की असीमित वृद्धि के लिए इसी प्रकार का चिन्ह बनाएं। सूक्त 142वां। देवता वायु। हे जौ अन्न, तू उगता हुआ ऊंचा हो तथा अनेक प्रकार का बन। तू अपने तेज से कुसुल कोष्ठ आदि सभी पात्रों को भर दे। आकाश से गिरने वाला वज्र तेरी हिंसा ना करे। सामने होकर हमारी बात सुनते हुए जौ नामक देव की मैं इस भूमि में प्रार्थना करता हूँ। तू धरती पर आकाश के समान ऊंचा हो तथा सागर के समान क्षय रहित होकर बढ़े। हे जौ, तुझसे संबंधित कर्म करने वाले विनाश रहित हो, तेरे ढेर नाश रहित हो। तुझे घर में रखने को ले जाने वाले लोग विनाश रहित हो, तुझे खाने वाले लोग भी विनाश रहित हों।